मेगा लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेगा अब बेहतर है, वो बड़ी कमजोरी हुई और बेहोशी छा गई। हम दोनों तुम्हारी हालत देखकर डर गए थे। हाय। वो फकीर कहाँ गए? फकीर? हाँ फकीर, अभी अभी तो मेरे सामने खड़े थे। यहाँ पर तो कोई खड़ा नहीं था, क्या बोल रही हो? अजीब बात है, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उनकी आवाज में एक सुकून था और चेहरे पर तेज, सफेद कपड़े, कफनी, छोला और हाँ हाथ में चिमटा भी था। बाबा जैसा आईने बताया वैसा हुलिया तो शिरडी वाले साई का है। साई? जब जीवन में दुख का न्यारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन बस तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। शुक्रिया। बाबा क्या हुआ आपको? आप रोने क्यों लगे? कुछ तो बोलिए। और ये चोट कैसे लगी आपको? ये कुछ नहीं है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, साई ने आज भी मेरी मदद करनी चाहिए थी लेकिन मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। फिर तो आपको आपके बर्ताव के लिए साई से जाके क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ बाबा, हम सब शिरडी चलते हैं ना? हाँ, अब समझ में आया मुझे साई ने मेघा को द्वारका माई में क्यों लाने के लिए कहा था। कल सुबह होते ही हम शिरडी जाएंगे साई से मिलने। और फिर कृष्ण ने गोकुलवासियों को तूफान और बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। छोटी उंगली पे? ऐसे। और फिर सभी गोकुलवासियों ने उस पर्वत के नीचे शरण ली। बस मामी जी, पेट भर गया मेरा। मामी जी, मुझे कृष्ण के बारे में और जानना है। आपने इससे पहले जो कहानी सुनाई थी उसमें कृष्ण ने अपने मामा से लड़ाई की थी, ऐसा क्या था जो अपने मामा से लड़ बैठे? लेकिन मामी जी, कृष्ण के मामा तो उनसे बड़े थे और आप कहते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कृष्ण अपने मामा के विरुद्ध नहीं थे, उनके अत्याचारों के विरुद्ध थे। कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। कृष्ण ने कंस को अवसर भी दिया, चेतावनी भी दी, लेकिन कंस नहीं बदला, वो नहीं सुधरा। तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए
कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म सत्य और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। लेकिन मामी जी, अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ जाना, अपने बड़ों के विरुद्ध जाना गलत नहीं है? नहीं, अगर कोई गलत हो तो बिल्कुल नहीं। श्री कृष्णा जी ने यही तो संदेश दिया है सबको कि अगर गलती करने वाला कोई आपका अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि बुराई का साथ देने से हमें कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। लगी है तुझे, पानी पिएगी? रुक, ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय क्या खिचड़ी पक रही है मामी भांजे में? हाँ? मैं गोविंदा को कृष्ण भगवान की कहानियां सुना रही थी। हरिओम हरिओम। गोविंदा, अगर तुम्हें वेद पुराण धर्म शास्त्र में अगर रुचि है तो अपने मामा के पास आओ, क्योंकि वाड़े में मुझसे अधिक बड़ा विद्वान दूसरा कोई नहीं है, है कि नहीं? और क्या करोगे हाँ? वेद पुराण सुन समझ कर आगे जाके बड़ा होके क्या मंदिरों में कथा माचनी है? अच्छा है कि अपने मामा के पास बैठो, मेरे कारोबार की बारीकियों को समझो, ये अधिक उपयोगी है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? माफी सरकार, पूरी सियाही गिरा दी मेरे पैर पे। खाना खाते हो कि नहीं? ताकत नहीं हाथों में, ये ले और जा यहां से। हे भगवान, पैर धोना पड़ेगा। ये सियाही के दाग जाते भी नहीं है। पानी मिल गया है ना, तो जाने से पहले प्रति मटकी 2 पैसे के हिसाब से पैसे चुकाते जाइएगा। गांव वालों को एक मटका पानी नहीं है। यह मामा जी अपने पैर धोने के लिए 4 मटकी के बराबर पानी बर्बाद कर रहे हैं। कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे, तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा। जब भी कृष्ण बनना, जैसे कृष्ण ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मुझे भी अपने शिरडी वासियों की मदद करनी है। जो गलत है मैं उससे लड़ूंगा।
जी भला करे। क्या बात है गोविंदा, इतना पानी क्यों ले आए? साई, मैंने सुना है कि आपने एक छोटे से तमरेल भर पानी से बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाई थी, जिसे अंतापंता जी ने गिरा दिया था, इसलिए मैं ये मटका भर पानी ले आया। जब इतने पानी से गांव वालों के लिए पानी नहीं बना सकते, अब मुस्कुरा क्यों रहे साई? शिरडी के लोगों के पास पानी नहीं है और हमारे वाड़े के कुएं में इतना सारा पानी है। साई, जैसे कृष्णा जी ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मैं भी अपने शिरडी वासियों की मदद करना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। भगवान कृष्ण ने जिस राह को चुना था वो राह आसान नहीं है। उनके मामा जी से उन्हें खतरा था। हो सकता है तुम्हें भी अपने मामा जी से खतरा हो जाए, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए। साई, मामी जी ने मुझे बताया कि हमें गलत लोगों के साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। मैं अपने मामा जी से नहीं डरूंगा साई। फिर तुम इस काम में मदद कर सकते हो। लेकिन कैसे साई? क्या जब मामा जी वाड़े से बाहर गए हो तो मैं लोगों को छुपाकर अंदर ले आओ, ताकि वो हमारे कुएं से पानी ले सके? नहीं गोविंदा, ऐसा मत करना। ऐसा करने से तुम्हारे साथ साथ गांव वाले भी गलत हो जाएंगे। मुझे इन सब की मदद करनी है साई। तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल अपने दादा केशव की तरह। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम चाहो तो मदद कर सकते हो गांव वालों की, उसी सार्वजनिक कुएं से पानी भरने में। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने वाड़े के कुएं से पानी ले आओ। लेकिन साई, मैं अपने कुएं से इतना सारा पानी कैसे ला पाऊंगा? और अगर मामा जी ने देख लिया तो क्या होगा? वो तो मुझे पानी ले जाने ही नहीं देंगे साई। और मेरे पास कृष्णा जी की तरह शक्तियाँ नहीं है, हो सकता है वो मुझे किसी कमरे में बंद कर दे। एक लकीर तो खींच सकते हो ना। लकीर? हाँ, अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो, तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गाँव के कुएं तक आ जाएगा। अपने आप पानी चलकर कुएं में आ जाएगा एक लकीर खींचने से? कैसे साई? जब लकीर खींचोगे तो खुद देख लेना। लेकिन इतनी बड़ी लकीर मैं खींचूंगा कैसे? वाड़े में जाकर देखो, हो सकता है तुम्हें कोई चीज मिल जाए। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली पट्टी ठीक रहेगी, लेकिन एक बात याद रहे, लकीर खींचते समय किसी भी हालत में पट्टी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पट्टी मिलेगी कहाँ साई? जहाँ लिखा पढ़ी का सामान रखा रहता है वहाँ जाकर देखो। ये तो मैं अभी कर दूंगा साई। साई, क्या सच में पानी आ जाएगा कुएं में? गांव में जाकर सबसे कहो कि वो कुएं के पास इकट्ठे हों। जिसे लंबाई नापते? पट्टी? हाँ, केशव के पास थी तो सही, लेकिन कहाँ रखी है नहीं पता। क्यों चाहिए तुम्हें? बाद में बताऊंगा। आई, आपने पट्टी देखी है? ये क्या बला है? कोई खाने की चीज है क्या? अरे आई, आई
जी, तो अपने पट्टी देखिए जिसे लंबाई नापते हैं। गोविंदा, वो मुझे नहीं पता, वो शायद कुलकर्णी सरकार के कमरे में होगी, जाके वहां देख लो। जाओ 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 जाओ। गोविंदा क्या ढूंढ रहा है तू? पट्टी ढूंढ रहा हूँ मामा जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा है तू गोविंदा? अरे मामा जी, अभी तो बताया था मुझे पट्टी चाहिए लकीर खींचने के लिए। हाँ पट्टी पट्टी पट्टी, हाँ 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 हाँ, रुक वही देता हूँ पट्टी। ये ले जा, यहां से नहीं वहां से जा। हरिओम हरिओम हरिओम, अंता को यही जगह मिली थी छुपाने के लिए। अंता! काकी, साई ने सबको कुएं के पास बुलाया। चलो। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? कुएं में पानी आने वाला है काकी, कुएं में पानी आने वाला है। क्या कुएं में पानी? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो जल्दी से पानी भरने के लिए बर्तन ले लेते हैं। हाँ। ये मेरे वाड़े में कैसे आया? मैंने तुम्हें इसे नष्ट करने के लिए कहा था, फिर ये मेरे वाड़े में कैसे आया? अगर किसी को ज्ञात हुआ कि बाघ असली नहीं था तो मेरी दीवार बनाने की योजना ध्वस्त हो जाएगी। गधे, इसे जाके अभी के अभी नष्ट कर, नहीं तो मैं तुम्हें असली बाघ के सामने डाल दूंगा। जाओ। गलती हो गई सरकार, अभी इसे नष्ट करता हूं। लगता है आज का दिन ही अशुभ है। हर आदमी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर रहा है। अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गांव के कुएं तक आ जाएगा। हरिओम हरिओम, गधा कहीं का एक काम ढंग से नहीं करता। क्या हुआ कौए? जो सुबह सुबह मुंह खोलकर कौए की तरह काव काव कर रहा है, है? बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो बंदर। हाँ यार, सोच तो काफी समय से रहा था आने के लिए, पर काम में इतना व्यस्त था कि आ ही नहीं पाया। वैसे काम से याद आया कि वो अंग्रेज सरकार की तरफ से स्वीकृति आई क्या? चिंता क्यों कर रहा है बंदर? अंग्रेज सरकार से पत्र जब भी आए स्वीकृति तो मिलनी ही मिलनी है। अरे ओ सरकार सरकार सरकार, खंडोवा मंदिर के पास मुझे संदेशवाहक मिला, उसने ये पत्र दिया है। हरिओम हरिओम, क्या कहा था मैंने? देखो अंग्रेज सरकार की मोहर है। लगता है मिल गए स्वीकृति। अरे रुक्मिणी मिठाई लाओ, अंग्रेज सरकार ने पत्र भेजा है, अनुमति मिल गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।
पढ़ तो सही जरा, थोड़ा कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। अरे अंग्रेज सरकार मुझे किसी चीज के लिए मना थोड़ी करती है, लेकिन तेरे कलेजे में ठंडक पड़े इसके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ पढ़ पढ़। जी सरकार। आदरणीय कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार ने शिरडी के सीमा पर दीवार बनाने के आपके प्रस्ताव की समीक्षा की और अंग्रेज सरकार मानते हैं कि इस दीवार पर निवेश करना जल्दबाजी का सौदा होगा। क्योंकि बाघ के हमले की घटना सिर्फ एक ही बार हुई है और वो भी उस आदमी की गलती के कारण, क्योंकि वो जंगल के अंदर गया था, ना कि बाघ जंगल से बाहर निकलकर आया और गांव वालों पर हमला किया। सरकार आगे पढ़ू? हाँ पढ़। अगर आप अभी भी निर्माण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार से किसी भी आर्थिक सहायता की अपेक्षा ना रखें। दादा नमस्कार। मैंने सुना मिठाई बट रही है तो। कोई मिठाई बिठाई नहीं बट रही है, ले जाइए इसे। अरे वही नहीं। हरिओम हरिओम। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ये क्या था? सरकार पानी की आवाज थी। हाँ? लगता है अपने कुएं की ओर से आ रही है। चलो जाके देखते हैं। हाँ।